मंडी शहर की शान माने जाने वाले ऐतिहासिक घंटाघर अपने अस्तित्व की लड़ाइयां लड़ता नजर आ रहा है। बार बार घड़ियों का खराब होना और घंटाघर को नई तकनीक न मिलने के कारण आज इसके अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। इस वर्ष दो बार मुरम्मत होने के बाद घंटाघर फिर से खराब पड़ा हुआ है। इसे छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। यहाँ के ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहरे उचित रखरखाव न होने के कारण अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। इन्हीं प्राचीन धरोहरों में से एक है मंडी शहर के बीचों बीच बना घंटाघर। 1920 को मंडी शहर के तत्कालीन राजा ने अंग्रेजों की मदद से इस घंटाघर का निर्माण किया था। घंटाघर की बदहाली का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसकी घड़ियां अनमूलन खराब ही रहती हैं। इस वर्ष शिवरात्रि महोत्सव से पहले घड़ियों की मुरम्मत करवाई गई थी, लेकिन महोत्सव के दौरान जब घंटाघर को पेंट किया गया तो एक व्यक्ति ने सुइयों को ही पकड़ लिया, जिससे ये घड़ियां फिर से खराब हो गई। दोबारा से कलकत्ता से कारीगर बुलाकर मुरम्मत करवाई गई, लेकिन अब फिर से घंटाघर की घड़ियां गलत समय बता रही हैं। नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने खराब घड़ियों को जल्द दुरुस्त करने की बात कही है। जैसे कि अभी आपके माध्यम से मुझे पता लगा है कि भी जो हमारी इंदिरा मार्केट में जो घंटाघर में हमारी घड़ी है उसकी सुइयां सही समय नहीं दर्शा रही हैं। उसके लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये अभी ही हाल ही में हमने ये जो है ये सुइयां ठीक करवाई थी और घड़ी का समय ठीक करवाया था किसी कंपनी के साथ बात करके। तो अगर फिर भी अगर ऐसा कोई है कि इनकी घड़ियों की सुइयां खराब है, कुछ ऐसा हो सकता है किसी ने छेड़खानी की हो, तो मैं इसको चेक करवा लूंगी और उसका समय ठीक किया जाएगा। बता दें कि इस प्राचीन घंटाघर में जिस तकनीक को इस्तेमाल किया गया है उसकी मुरम्मत करने वाले कारीगर सिर्फ कोलकाता में ही मिलते हैं। इन कारीगरों को पहले पैसे भेजने पड़ते हैं, जिसके बाद ही ये घड़ी को चेक करने और फिर इसे ठीक करने के लिए यहां आते हैं। शहर के लोगों ने कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद को ये सुझाव दिया कि घंटाघर के बाहर के स्वरूप को वैसे ही रखा जाए, लेकिन अंदर की तकनीक को आधुनिक कर दिया जाए ताकि समय भी सही ढंग से देखने को मिले और हर एक घंटे के बाद आने वाली टन की आवाज को सुनने का मौका भी मिल सके। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हालांकि आज हर व्यक्ति की जेब में समय देखने के लिए मोबाइल है, लेकिन घंटाघर की घड़ियों पर नजर डालकर समय देखने का शौक लोगों को आज भी है। यही कारण है कि इस घंटाघर का महत्व आज भी बरकरार है। वहीं घर घंटे जिससे निकलने वाली आवाज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर देती है, लेकिन बीते कुछ महीनों से ये घंटाघर इन सबसे महरूम अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। जो मेन जो बिल्डिंग है हमारी, वो उसके उसकी शान तो एक घड़ियों से ही बनती है। अब क्या होता है कि कुछ किसी घड़ी में कुछ बजा हुआ है और किसी में कुछ बजा हुआ है, तो एक देखने में भी बद्दा लगता है। तो हमने उनको ये कहा था बाहर से इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहने दो, घड़ियों के जो डायल हैं इनको ऐसा ही रहने दो, अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इसके लिए आपको बार बार कलकत्ता से मैकेनिक बुलाना पड़ता है, यहाँ इस टेक्नोलॉजी को कोई नहीं जानता। तो इस बात की भी गारंटी नहीं होती भी इतने सालों पुरानी जो अंदर सिस्टम लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, वो उसको कितनी देर तक और जीवंत कर पाएंगे। तो जरूरी है आज की आधुनिक युग में इसको देखते हुए तो उसको उसी ढंग से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसी में उसी तरह की वॉइस जो है वो फिट कर दी जाए, जैसे पहले घंटाघर में पेंडुलम के स्टाइल में जो आवाज आती थी। तो सारा कुछ ये उस तरह हो सकता है, तो फिर से ये अपने जीवंत रूप में वापिस आ सकता है।